परमेश्वर द्वार गुरमीत प्रचार सेवा दल राजपुरा व समूह साध संगत की ओर से गुरु मान्यो ग्रंथ चेतना समागम का विशाल आयोजन किया गया। यह समागम नई अनाज मंडी में 4-5-6 सितंबर तक चलाया जा रहा है, जिसमें भाई साहिब भाई रणजीत सिंह खालसा डंडरिया वालों की ओर से गुरु मान्यो ग्रंथ चेतना समागम में गुरुओं द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी जा रही है। इस समागम में दूर दूर से हजारों की संख्या में साध संगत राजपुरा की नई अनाज मंडी में पहुँच रही है। लंगर भी सेवा दल की ओर से चलाया जा रहा है। इस मौके पर भाई साहिब भाई रणजीत सिंह डंडरिया वालों ने न्यूज 89 चैनल की टीम के साथ विशेष बातचीत की और उन्होंने कहा कि 3 रोजा ये समागम 4-5-6 तारीख का रखिया, अज दूसरा दिन है, कल लास्ट दीवान है और अमर अगे नालों बहुत उत्साह। इस बार जो प्रोग्राम है ना जिद यंग जनरेशन बहुत, तुम आप ही वेखना टोटल जेडे 80% नौजवान है सारे जिन्हें भी नौजवानों कोई संदेश देना चाहते अपने बस गुरबाणी आप पढ़न विचाले विचोला ना किसी को रखा, चाहे कोई होवे कीर्तनियां कीर्तनियां रहन दईए प्रचारक प्रचारक रहन दईए उहदे विच गुरु ग्रंथ साहब नाल असीं आप जुड़ीए आप बाणी सहज पाठ आपो अपने घर च रखिए तां जो साडा डायरैक्ट गुरु साहब की बाणी नूं समझ के बाणी नाल साडा कनैक्शन बन सके। जिहड़ा पंजाब दे विच डेराबाद ज्यादा फैल रहा जिद्दां सिरसे वाला सी गाणा इहदे बारे तुसीं की कहणा? सिरसे वालिआं दा जो होया जिहड़ा जो कुछ आया सारिआं दे सामणे है तो पंजाब सरकार नूं जां हरियाणा जां सेंटर सरकार तक ये चाहिए भी हर डेरे की इस तरह स्क्रीनिंग होवे जिथे जो गलत हो रहा है सारी दुनिया में आना चाहिए। इदा का एक डेरा नहीं, इदा के अजे होर भी बहुत ने जिन्हां की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जिहड़ा पिछे जो तुहाडे हमला आया सी उहदा इंसाफ तुहानूं मिल चुका? नहीं जी नहीं, असीं उहदे वास्ते भी CBI कोल कोशिश की है जाण दी ते पंजाब सरकार पिछली नूं भी कहा सी पर पिछलियां ने शह दित्ती हुई सी। इस बार वाले भी बेनती करते हैं भी जे हो सके तो CBI जांच करे, ना नहीं चाहिए सी सारा कुछ कर दो। नहीं उस सरकार की शह तो बिना तो कोई कुछ बन ही नहीं सकता। जे अज जो कुछ होया वो बाबे जेड़े इन्हों का वह तो कसूरवार है ही नहीं, पर सरकार भी कितने ना कि कसूरवार उन्होंने पैरों में जाके बैठते हैं। एक सिख कौम का बहुत व्डा जरा कम्यूनिटी ला लो भी डेरिया वाल गई है। हाँ जी अपनी गुरबाणी मतलब अपने इस अपने प्रचार नूं छड्ड के उस वेले उस वल जाना क्या ठीक सीगा, हुण लोकां नूं की समझ आ रही नहीं? बिल्कुल गलत गल सी जी, हुण अगे नालों सोशल मीडिया आया और इहो जिहे बाबिआं दीआं करतूतां भी लोकां दे सामने आईआं जिस करके लोक अगे नालों जागरूक होए आ। पर गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का सही ढंग नाल लॉजिकली जे गल होनी चाहिए वह प्रचार नहीं होया। साडे गुरु ग्रंथ साहब हर गल बात लील करते हैं, प्रचार जिहड़ा उहदे उल्ट होया। तो श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदारां दी ते श्रोमणी कमेटी दी पूरी नलायकी है जिन्हां ने अज तक सही ढंग नाल प्रचार होण ही नहीं दिता, इस करके लोग इहो जिहे लोकां तों श्रोमणी कमेटी के मैंबर खुद जथेदार उन्हां डेरियां विच जा के उन्हां डेरेदारां नूं प्रमोट करदे ने जिहड़े आपो अपनी मर्यादा चला के बैठे। अकाल तख्त के जथेदारां दा फर्ज बनता है कि वह मर्यादा नूं लागू करन, उन वह पहरेदार बन के जगह जगह उन्होंने जाके कह तुम आपो अपनी मर्यादा क्यों बनाई है, पर यह लिफाफिया के भुखे लोग है ये उन्होंने डेरिया जाके उन्होंने प्रमोट करते हैं। हाँ जी से कैमरामैन ललित कुमार के साथ दिनेश सचदेवा न्यूज 89।